हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एसटीआर कैट एंड एसटीआर एन कैट फंक्शन। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसटीआर कैट और एसटीआर एन कैट फंक्शन होता क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं अपने सी लैंग्वेज में। और लास्ट में हम एक प्रोग्राम भी रन करा के देखेंगे किस तरह से ये रन कर रहा है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसटीआर कैट एंड एसटीआर एन कैट फंक्शन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एसटीआर कैट फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं। तो एसटीआर कैट फंक्शन, जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग लेते हैं हम, स्ट्रिंग वन, ठीक है, जिसमें कि आपकी वैल्यू है एन ई डब्ल्यू, ठीक है। और एक स्ट्रिंग लेते हैं टू, जिसमें वैल्यू है डी एल एच आई ये, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग में ये डेली को कॉपी करना है, मतलब कि टोटल हमें क्या बनाना है, न्यू डेली बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस टी आर कैट फंक्शन। मतलब कि स्ट्रिंग, ये आपका जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, मतलब कॉन्केटिनेट करना दो स्ट्रिंग को। तो वो कैसे कर लेंगे हम, वो भी देख लेंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड वे है, वो स्टैंडर्ड वे क्या है, एस टी आर सी ए टी कैट, ठीक है। और आप स्ट्रिंग वन डालेंगे, स्ट्रिंग वन मतलब कि जो स्ट्रिंग का नेम है, ठीक है। और इसके बाद स्ट्रिंग टू, ठीक है, और सेमी कॉलन। तो ये आपका स्टैंडर्ड वे है। तो अभी क्या हो जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। एस टी आर सी ए टी कैट फंक्शन करेंगे और इसके बाद स्ट्रिंग वन डालेंगे और स्ट्रिंग टू डालेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग वन है वो स्ट्रिंग टू में आपकी कॉपी हो जाएगी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा, स्ट्रिंग वन आपकी अब कैसी हो जाएगी, न्यू डेली, ये आपकी फाइनल स्ट्रिंग होगी। और जो आपकी सेकेंड स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ रहेगी। तो इसको हम एक प्रोग्राम्स के साथ भी रन करा के देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे, और ये आपका एक स्ट्रिंग बन गया है और ये दूसरा स्ट्रिंग है। मतलब कि हमने एक करेक्टर एरे लिया है, 40 साइज़ का करेक्टर एरे लिया है, 40 साइज़ का दो, ठीक है। तो जैसे ही कंपाइलर इसे देखेगा तो वो क्या करेगा, मेमोरी ब्लॉक में जो आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसमें आपके ब्लॉक्स बना देगा, 40 ब्लॉक्स करेक्टर के। और एक दूसरा ब्लॉक्स बना देगा, इसका नाम होगा नेम वन और ये होगा नेम टू, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एन ई डब्ल्यू डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हम एन ई डब्ल्यू डाल रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एन ई डब्ल्यू डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद एन ई डब्ल्यू डालने के बाद यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, इसकी डी ई एल एच आई डेली डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर डी ई एल एच आई, और यहाँ पे आप पिन कोड भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने पिन कोड डाल दिया 1011, कुछ ऐसे डाल सकते हैं आप पिन कोड। तो 1011101 ये पूरा आपका हो गया न्यू दिल्ली। अभी आप क्या करेंगे, आप सिंपली करेंगे एस टी आर सी ए टी और इसके बाद इसका नाम क्या है, एन ए एम ई नेम वन और नेम टू ये। और जैसे ही आप इसे प्रिंट कराएंगे, जैसे हमारा पुट्स फंक्शन है उसको हम प्रिंट कराएंगे नेम वन, तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट में आपका क्या आएगा, रिजल्ट में आपका आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे नेम वन के न्यू डेली 1011100, ठीक है। अभी तो आपका एस टी आर कैट फंक्शन यहाँ पे फिनिश हो गया। एस टी आर कैट फंक्शन का मैं मोटे पता चल गया। अब एस टी आर एन कैट क्यों लगाते हैं, एस टी आर एन कैट और एस टी आर कैट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हमें कॉपी करने हैं, मतलब कि कितने कॉन्केटिनेट करने हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए आपका स्टैंडर्ड वे था, और स्टैंडर्ड वे टू जो है इसके लिए वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या लगा लेंगे, एस टी आर एन कैट, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ न्यू और डेली को कॉपी करना है, बस इसको कॉपी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, एस टी आर मतलब कि जो स्ट्रिंग होगी अपनी, एस स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू, ठीक है। और कितने कॉपी करना है, जैसे 1 2 3 4 5 5 कॉपी करना है। तो एन मतलब कि अगर इसके लिए हम बनाएंगे तो इसके लिए कैसे बनेगा, वो इस एग्जाम्पल के लिए एस टी आर सी ए टी कैट
ये क्या है, नेम वन, नेम टू, और इसके बाद ये क्या है, कितने कॉपी करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो लेफ्ट मोस्ट से आपके कॉपी करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आएगा, अब इसका आंसर कितना आएगा, Strncat से NEW न्यू DELHI डेली। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करेंगे। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, किस तरह से रन कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक करेक्टर एरे नेम वन का लिया है जिसका साइज़ है 40, जिसकी वैल्यू है न्यू, ठीक है। उसके बाद करेक्टर एरे नेम टू लिया है जिसकी वैल्यू है डेली 10110, ठीक है। इसके बाद हम क्या करवा ले रहे हैं, नीचे सिंपली प्रिंट करा के देख लेते हैं। सबसे पहले Strcat Strncat को यूज़ करने से पहले कि नेम वन की वैल्यू क्या आ रही है, नेम वन की वैल्यू हमारी है न्यू, तो न्यू वैल्यू एज इट इज़ आ रही है, ठीक है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। अभी हम Strcat फंक्शन यूज़ करके देखते हैं। Strcat फंक्शन यूज़ करने से पहले हमें क्या कराना पड़ेगा, हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी जिसमें कि ये सारे फंक्शन अवेलेबल होते हैं जिससे कि हम इजिली इन्हें यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा है string.h, ठीक है। इसके बाद हम नीचे क्या लिखेंगे, Strcat फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और Strcat फंक्शन यूज़ करते ही हमें क्या करना है, नेम वन में वैल्यू डालनी है, किसकी, नेम टू की वैल्यू, ठीक है। तो नेम टू की वैल्यू नेम वन में आ जाएगी आपकी, और एक इस तरह से आएगा, ये भी हम देख लेते हैं, बिल्ड और रन कराएंगे। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई है नेम वन की, न्यू डेली 101। अभी भी इसमें स्पेस नहीं आ रहा है, तो अगर आपको स्पेस भी देना है यूज़र की कन्वीनियंट के लिए, कंफर्टेबल के लिए, तो यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हैं या फिर डेली के डी से पहले स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया न्यू के बाद, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर ये न्यू डेली लिखा आ रहा है। इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि Strncat फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, ये वो भी देख लेते हैं। Strncat फंक्शन जो है, इसमें अगर हमें क्या करना है, डेली को सिर्फ कॉपी करना है, यहाँ पर न्यू डेली बनाना है नेम वन में, तो वो क्या करेंगे, इसके लिए Strncat फंक्शन, डेली जो है हमारा 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 करेक्टर्स आपको कॉपी करना है, तो उसके लिए 5 लगाएंगे यहाँ पर, और ये आपका नेम वन में कॉपी हो जाएगा सिर्फ डेली। तो ये बिल्ड और रन करते ही आपका न्यू डेली यहाँ पे आ रहा है। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि अगर हम नेम वन की जो वैल्यूज़ है उसमें अगर नेम टू की वैल्यूज़ डाल रहे हैं, मतलब कि नेम वन जो है वो हमारे पास सफिशिएंट करेक्टर का होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे साइज़ 40 का है। अभी अगर हमने वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डाल दी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो वैल्यूज़ क्या कर देगा, वो लेगा नहीं, उसको भी हम देख लेते हैं। Strcat फंक्शन यूज़ करेंगे, हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको हम बिल्ड और रन कराएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ब्लैंक आ रहा है, तो इसका हमें ध्यान देना है कि हमारे जो साइज़ है एरे का वो सफिशेंट हो ताकि इसमें सारी वैल्यूज़ आ सकें। सो इस तरह से आप Strcat Strncat फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी दो एरे की वैल्यूज़ को कॉन्कैटेनेट करने के लिए। सो आई होप आपको Strcat Strncat फंक्शन समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, मीट मी इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।